साथियों, भारत का ये डिजिटल रिवॉल्यूशन सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है। भारत आधुनिक व्यवस्थाएं बना रहा है, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। इसका एक उदाहरण भारत का डिजी लॉकर है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डिग्री और प्रॉपर्टी के पेपर्स तक जो भी सरकार इश्यू करती है वो इस डिजिटल लॉकर में जनरेट होते हैं। करीब सैकड़ों तरह के डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रिफ्लेक्ट होते हैं। आपको फिजिकल कॉपी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस एक पासवर्ड काफी है। और इससे 15 करोड़ से ज्यादा यानी 150 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय जुड़ चुके हैं। इस तरह के कितने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज हर भारतीय को पावरफुल बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं। साथियों, आज भारत के हर कदम, हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन बेचकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के समय में आपने भी यहां जिस सेवा भावना से काम किया वही हमारी संस्कृति की विशेषता है। आज शहीदों के सरताज
पंचम सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व है। हमें गुरु जी के जीवन से सभी की सेवा करने शिक्षा मिलती है। गुरु अर्जुन देव जी ने ही दशंध प्रणाली शुरू की थी। इसी प्रेरणा से कोरोना के दौरान भी कितने ही गुरुद्वारों के लंगर ने यहां लोगों की मदद की। इसी दौर में कितने ही मंदिरों की रसोई यहां पीड़ितों के लिए खुल गई है।